हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में एक से बढ़ के एक ऐसे किरदार हुए हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके दिलों में बस जाते हैं। वो आपका पैसा तो चुराते ही हैं, आपका दिल भी चुरा लेते हैं। सो ऐसे ही ठगों की एक जोड़ी को मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बंटी और बबली का। मैंने बोला बंटी और बबली, आप दोनों बबलियां आ गई। आपके बंटी कहाँ हैं? क्या है, आजकल बबलियों का जमाना है। आपके यहाँ भी तो एक बंटी थे जो बबली जी आ गई। हाँ बबली जी आ नहीं गई, बबली जी खा गई। वैसे भी अगर मैम सैफ सर को गायब कर सकती है तो मैंने भी सिद्धांत को गायब कर ही दिया है। बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आइए आइए प्लीज। हाँ। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू कपिल। कसम से आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी, उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह जी मजा आ गया। अच्छा आप सबको पता है बंटी और बबली जो पहला पार्ट आया था, बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। क्या कमाल का काम किया था आपने और अभिषेक सर ने। उसके बाद बंटी और बबली 2 जो आ रही है, 16 साल हो गए आई थिंक जी। तो ये स्क्रिप्ट 2005 में आई थी। हाँ 2005 में जी। तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी कि शर्वरी के बड़े होने का वेट कर रहे थे आप? एक्चुअली शर्वरी का बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब मेरे जैसे कोई खूबसूरत आएगी। तो सच बात यह है कि मतलब यशराज कभी भी ऐसी फिल्म्स का सीक्वल नहीं बनाते जब तक कि उनको एक जोरदार स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। राइट। और दिस इज बंटी बबली 2.0, मतलब एक नई कहानी है, बहुत ही अलग वे में है। इसमें और भी मजा है क्योंकि इसमें नए बंटी बबली है। तो जो मजा है वो दुगना है, वो दुगना है, दुगना है। अच्छा आपने बंटी और बबली फर्स्ट देखी है? ऑफ कोर्स। बिल्कुल देखी है। तब आपने सोचा था कि जिनको मैं बड़े पर्दे में देख रही हूँ उन्हीं के साथ ही आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। I mean, मतलब घुमा दिया है। अच्छा कपिल आपने भी तो बंटी बबली देखी होगी। अरे मैम बिल्कुल, थिएटर में देखी हमने। तब आपने सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे ऐसे? मैंने कभी नहीं सोचा था। ये ऊपर वाले का करम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऊपर वाले का करम है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप इतने पॉपुलर शो के इतने पॉपुलर होस्ट हैं, मतलब एक फिल्म हमारी बनती है उसके पहले ही बोला जाता है कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा इस फिल्म के बाद। अरे थैंक यू थैंक यू। आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारा शो और बड़ा हो जाता है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य सर की, आदित्य चोपड़ा साहब। क्या विजनरी आदमी है। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो पार्क की नजर, बीवी भी चुनी तो रानी, ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी, तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ, घर में बॉस मैं हूँ। कहने की जरूरत है जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं, वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अच्छा मैम आपको पता है शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी सोनू के टीटू की स्वीटी सोनू के टूटू की स्वीटी स्वीटी हाँ सोनू के उसी की ट्विटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप जी? बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला भंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही है, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। शर्वरी
जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम बिल्कुल. मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं. तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है. मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए. तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है. और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है. तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी. जी मैम बिल्कुल. अच्छा इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही है, तो मैम कुछ गृहणियों के सवाल हैं. हाँ. कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो नॉलेज होती है, मैं तो हूँ मिडिल क्लास, ये आपका बड़ापन है? असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ. वो अच्छी बात है. मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा. नहीं वो तो है, पर मैं बोलता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल? डू यू हैव एनी आईडिया? गैस सिलेंडर 900 हजार तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज. टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आईडिया? द भाव ऑफ द टमाटर, या व्हाट इज इट? अब भी तो चेंज होता रहता है ना. पता मुझे तो इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी. रानी कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? मेरी मम्मी पहले होता था, लिखवाती थी. मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है. बट आई डोंट डू इट नाउडेज, सॉरी. अर्चना ही लिखवाती है, एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती है इस पर नाम लिख दो मेरा. वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरण सिंह, कहता है बड़ा डिब्बा लिख गया, इसी कटोरी पे नाम लिखवा रहे आप. अच्छा एक बड़ा कॉमन सवाल है. क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, पैसे देती हैं, लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे उग जाता है. मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली. अच्छा आप इसलिए हाथ खड़ा किया था. ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली मिलेगी. ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग. पर आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, ये बात आपको सूट करती है? क्यों? ये जाती है अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में. सौंफ और मिश्री होती ना जो, वो चबा लेती है और फिर दोनों हाथों में भर लेती है और जींस में भी डाल लेती है. हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना. एक बात कही गई है हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती. अच्छा. लेकिन ये होती है. अच्छा. सेम लाइक सोन पपड़ी. अच्छा, आई थॉट सॉफ. सोन पपड़ी जो होती है ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई जाती है. और लोग देते भी बड़ा है, गिफ्ट में थोड़ी सस्ती भी होती है. आपने कभी अपनी सोन पापड़ी आगे किसी को चिपकाई है? मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है. I love सोन पापड़ी. आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ, क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है. हाँ, बिल्कुल. कमाल है सोन पापड़ी. I love सोन पापड़ी. सेम यार. एक और बात मेरे मन में आ रही थी कि जैसे फिल्म में आप, आपके मन में जो जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज. हाँ हाँ, वो ही वाले नहीं, वो गया आज कपिल. बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है. और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं. और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं. और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड एंड टू पीपल कि thank आप हंसा सकते लोगों को. दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली.
और कोविड के बाद जो दो साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं. थैंक यू रानी मैम, आपके फॉर योर काइंड वर्ड. मेरे दिमाग में ऐसे आ गए, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती फ्री, कुछ ना कुछ करने की आदत है. बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही. और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है. तो मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर, बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहाँ से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर. हमें यकीन नहीं होता, पता है, हम आपको सामने से देख रहे हैं. मैम, आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी, और मेरी जो पैदाइश ही है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ, और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी कलकत्ता. तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को सीधा कलकत्ता. तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे. हाय, हेलो सपना, कैसी है? ये कैसे चल रही है? मैं ना रात भर ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी कि हील पहन के रानी मैम के सामने आऊंगी. मैं हील तो लाना भूल गई, लेकिन चलना नहीं भूली हूँ. कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है एकदम आज लेडीज स्पेशल लग रहा है ना. बबली स्पेशल. हाँ, आप दोनों, मैं भी लेडीज. अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, अर्चना जी आप भी तो लेडीज हैं. मैम, आप 50 लाख रुपए का छुट्टा मिलेगा क्या मेरे को? 50 लाख का छुट्टा कौन मांगता है? अरे वो यशराज की मालकिन है, 50 रुपए का छुट्टा थोड़ी मांगेंगे उनसे. अरे तेरे को मालूम है, इतने बड़े लोग हैं. रानी मैम पिछले हफ्ते सब्जी मंडी गई थी. अच्छा. इन्होंने 75 लाख रुपए के बैंगन खरीदे. 75 लाख के बैंगन? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आर्टिस्टों को भी हजारों रुपए में साइन करते हैं. आर्टिस्ट तो लाखों करोड़ में साइन होते हैं. सारे पैसे तो बैगन में खर्चे हो गए ना. तो ऐसा बैलेंस भी तो करना पड़ता है कप्पू. तो आर्टिस्ट कुछ बोलता नहीं? बोल के देखे, फिर भड़ता उसी का बनता है. खैर सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आने में मैं लेट हो गई थी. वो एक्चुअली ना पीछे में खड़ी थी, तो एक लड़का मेरे पास आया है, बोलता है मैं बंटी हूँ. मैंने ऐसा बॉक्स मारा ना उसको, मैंने बोला बंटी सिर्फ एक ही है, सैफ अली खान है ना? अरे वो सिद्धांत होगा. हाँ, यही नाम बताया था उसने. आपने मेरी बंटी को बॉक्स मार दिया. माय गॉड, मैंने सिद्धांत को बॉक्स मारा. सॉरी मैम, मैंने आपका बंटी तोड़ दिया. लेकिन मैम, एक ही पिक्चर में दो दो बंटी, ऐसा कैसे हो सकता है रे कपू? अरे बंटी और बबली 2 है ना, तो इसमें दो बंटी और दो बबली है. थोड़ी होता है, अभी सिंगम 2 भी आई थी, उसमें दो दो अजय देवगन थे क्या? मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का सब पता रहता है. हाँ, मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है. अच्छा, वो अलग बात है, आजकल मैं फैमिली में नहीं हूँ. अच्छा, आप लोग तो कितने बड़े लोग हैं ना, कितना अच्छा लगता है. देखो अभी रानी मैम, इतने बड़े लोगों का ये एग्जाम्पल रहता है कि इनको हिचकी आई तो यशराज ने पूरी पिक्चर बना डाली हिचकी है ना. और एक मैं, मेरे को मैम लूज मोशन भी आते ना, कोई खिचड़ी तक नहीं बनाता मेरे लिए. तू बस यही सब बातें करने आती है ना? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ना, मेरे को ना मैम एक कंफ्यूजन था. अभी आप लोग तो फिल्मी लोग हैं ना, तो पिक्चरों में ऐसा बोलते हैं ना, प्यार में आशिक धोखा खाता है. तो मेरे को जानने का था, ये जो धोखा खाता है तो ये किसके साथ खाने का, मतलब पानी के साथ खा सकती है, कैसे? ऐसे सुखा भी खा सकते हैं. होगी तेरी फालतू की बात. नहीं नहीं, एक और फालतू की बात है मेरे पास में. अच्छा मैम, सब लोग बोलते रहते हैं कि इज्जत की रोटी खाओ, तो मैं इज्जत की रोटी तो खाती हूँ, उसके साथ क्या, मतलब टिंडे की सब्जी खाऊं, मैं अचार खाऊं, है ना?
मतलब इज्जत की रोटी रहती है, इज्जत की कोई सब्जी नहीं होती क्या? सपना, तो फिल्म स्टार्स आए, कोई फिल्म की बात कर लेना। हाँ हाँ, फिल्म की बात करेगी ना। मैंने मैम आपकी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, मैंने आपकी सब पिक्चर देखी है। हाँ, आपकी एक वो पिक्चर थी ना, कहीं प्यार ना हो जाए जी। हाँ, उसमें मेरे को एक ही चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? कश्मीरा शाह। घर भी जाना है आज। अगर मेरे भाई ने नसरुद्दीन शाह से शादी की होती ना, ज्यादा खुश रहता वो। सपना, कैसी बातें कर रही तू? अरे मैं तो सतीश शाह बोलने वाली थी, लेकिन फिर घबराहट होती ना, शाम को घर भी जाना रहता है हम लोग को। आप ये देखो मैम, मैं सच्ची बोलती हूँ, आर्टिस्ट का आप डेडिकेशन देखो। मतलब आपको हंसाने के लिए पूरी फैमिली बीच में ला रहे हैं। सपना, हाँ? शर्वरी पहली बार आई शो पे, क्या सोचे की तुम्हारे बारे में? आपने मेरे जैसी हेयर स्टाइल बनाई है? हाँ, नहीं, आपने मेरे जैसी बनाई है। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मेरे को आपके बारे में सब नॉलेज है। अच्छा, आपके डैडी बिल्डर है ना? जी। हाँ, तो कौन से जिम में जाते हैं? अरे बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बनाते हैं। हाँ, तो मेरे को उसके लिए भी एक जानना था। हाँ। ये इधर अंधेरी में 2 BHK का फ्लैट कितने तक का मिलेगा हम लोग को? 5 करोड़ से नीचे नहीं आता आजकल। 5 करोड़? हाँ। नहीं, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये मलाड में कितने तक का हो जाएगा उधर? 3-3.5 करोड़। 3.5 करोड़? हाँ। नहीं, और पीछे नाला सुपारा में कितने तक का मिलेगा आपने? 1.5 करोड़ तक। 1.5 करोड़? हाँ। इतना पैसा नहीं, ये 25,000 में कितना पीछे जाना पड़ेगा? पूछ के बताऊंगी। हाँ, बहुत परेशान हो गए। कप्पू, मैं चलती हूँ। आज बड़ी जल्दी जा रही तो? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मेरा ना इधर एक पार्लर था जो इसने तोड़ डाला और चिल पैलेस बना दिया। हाँ, तो फिर भी मैं मसाज छोड़ूंगी नहीं। हाँ, हमारे पास एक तारा रमपम मसाज है। तारा रमपम? इसमें क्या होता है? तारा रमपम उसमें क्या रहता है मैम, हम कस्टमर को ना ऐसे कड़कती धूप में खड़ा कर देते हैं। हाँ। तो फिर धीरे धीरे उसको चक्कर आने, उसको तारा नजर आने लगता है। तो जैसे तारा नजर आने लगता है, वो बेहोश हो जाते हैं। वो जैसे बेहोश होता है, उसके पर्स में से पैसा निकाल के हम लोग रम पीने जाते हैं। तारा रम। और हम लोग ना एकदम रम पी के टाइट होके आते हैं। हाँ। फिर उसको इतना प्रेशर से मसाज देते हैं कि उसका पम पम निकल जाता है। फिर आपकी एक और मैम फिल्म आई थी अय्या। हाँ। वो मसाज बहुत अच्छी है रे कप्पू। कैसे? उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के दोनों पैर पे तेल लगाते हैं और ऐसे करते हैं पैर, वो बोलता अय्या, ऐसा खत्म हो जाए। मेरा जाने का टाइम, बाय। रानी मैम, ऐसी कंप्लेंट रहती है हमेशा लड़कियों को कि यार लड़कों में ये बात नहीं होनी चाहिए, या लड़कों को भी लगता है कि यार ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ ऐसे मेरे सवाल हैं जो लड़कों के अक्सर होते हैं। कभी आदि सर अपना तौलिया खुद बांध के पूछते हैं आपसे, मेरा तौलिया कहाँ गया, मेरा तौलिया कहाँ गया? नहीं, नहीं, नहीं पूछते हैं। नहीं। कभी ऐसे टूथपेस्ट यूज करके इधर उधर उसका ढक्कन फेंक देते हैं? नहीं। वाओ, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा अच्छा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि मुझे बोलते कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ। तो फिर अगले सवाल मैं रहन देता हूँ, क्योंकि वो तो सारे ठीक ही हैं। और मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि अपने हस्बैंड्स को ऐसे छोड़ देना चाहिए, फिर पीछे 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 आते हैं। बहुत अच्छी बात करी आपने, ये बात रिपीट करके चलाई जाए, ताकि जिनकी बीवियां बार बार फोन करके पूछती ना हुआ नहीं तुम्हारा खत्म, उनको थोड़ा सीखने को मांगता है। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही कॉल जाता है दिन। अच्छा। में अगर रात को टाइम से नहीं आए, हेलो, यस आई एम जस्ट लीविंग, बस फिर पहुंच जाता। रानी मैम, एक और मुझे सवाल पूछना था। जैसे ये फिल्मों में अक्सर होता ना कि लड़के घुटनों पे बैठ के फूल देते हैं जी, इससे वाकई में लड़कियां इंप्रेस होती हैं कि 10 रुपए गए फूल के? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की जो है अपने शौहर में या अपने बॉयफ्रेंड में एक चीज जो हर लड़की ढूंढती है, वो एक अच्छा इंसान। और अगर वो अच्छा इंसान फूल दे रहा है तो उसे बहुत खुशी होती है। वाह,
तो मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं तभी फूल खरीदे, नहीं तो आपके वो 10 रुपए भी जाएंगे, कोई इंप्रेस नहीं होगा। रानी मैम एक बात बताइए, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप, अगर कहीं हैं ही आप बिल्कुल, तो अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बननी हो जी, आपको क्या लगता है आपकी बायोपिक कौन अच्छे से निभा सकता है? कोई नहीं। आए हैं वन एंड ओनली बबली ओरिजिनल, वन एंड ओनली रानी ओरिजिनल। क्या बात है। कुछ ऐसे सवाल हैं दर्शकों के, हमें दे देते हैं तो मैं आगे पूछ लेता हूँ। तो आप दोनों के लिए शर्वरी, आपके लिए भी और रानी मैम के लिए भी, कभी कोई रोल ना पसंद आया हो तो मना करने की बजाय बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए हो? नहीं, ये मैंने नहीं किया। अम्मों पे बोल देते हैं कि ये रोल मेरे को पसंद नहीं है। जी जी जी, क्योंकि एक जो अच्छी चीज है हमारी इंडस्ट्री की, हमें साबुन तेल ये सब बेचने में बहुत पैसे मिलते हैं। तो फिर रोल के लिए नहीं करना पड़ता है। पैसे और रोल का क्या होता है कि एक फिल्म जो है वो हमेशा के लिए छप जाती है, जो आपके साथ जुड़ जाता है, आपके जीवन के साथ। बिल्कुल। तो उसको आप पैसों के साथ नहीं तुलना कर सकते। ये मेरा पहले भी था और अभी भी है। आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? सर रोल तो आने तो बहुत सारे, फिर बताती हूँ। ये पहली पिक्चर है। कभी किसी की झूठी तारीफ करके फंसे हो आप? नहीं, फंसी नहीं हूँ, बट झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है। आप? सर कर दिए कभी कभी किसी की। हाय हाय। कभी किसी सीनियर एक्टर के आगे शॉट देते हुए आप नर्वस हुए? जी बिल्कुल। आपके साथ ऐसा हुआ रानी कभी? नहीं, एक्चुअली नर्वस तो नहीं हुई हूँ, लेकिन जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटेड जी। तो जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था, तब उनका एक जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के मतलब हमने बचपन से उनकी पिक्चर देखी है, फैन है, तो जब वो सेट पे आते हैं तो एक माहौल ऐसा बनता है कि बच्चन साहब आए सेट पे एक्चुअली। एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि हम सब थोड़े से नॉर्मल हो जाए, ताकि क्योंकि उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है और हम सब उनको इस तरह से देखते हैं, तो उनका मतलब बड़प्पन है कि वो कंफर्ट कर देते हैं सामने जी, कंफर्ट कर देते हैं सामने वाले को। तो अगर एक अगर मैं किन का नाम लूँ तो वो बच्चन साहब ही होंगे। वाह क्या बात है। नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ, नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त, क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे, तब मैं खुद 16-17 साल की थी जी। और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी, राइट। और उनकी क्यूएस क्यूटी कयामत से कयामत तक, उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था, और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख के बहुत ऐसे मतलब वो मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश, राइट, जो क्रश बोलते हैं। तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे, क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैं आंखों में देख लूं तो प्यार ना हो जाए। तो फिर मुझे आमिर ने सिखाया था कि ऐसा नर्वस नहीं होना है, और ये फिल्म है, और आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के आपको रोमांस करना पड़ेगा, जैसे ही शॉट चालू होगा फिर आप नहीं कर सकते, आपको थोड़े कैमरा ऑन होने के पहले थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। और फिर मैं इतनी सीख गई उनके साथ कि अभी एक पेड़ खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं उनसे भी रोमांस कर लूँगी। आपको पता मैंने ना एक फिल्म करी अब्बास मस्तान साहब के साथ जी, तो मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो मेरे से फील ना आए तो मुस्तान भाई आए, कपिल ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी बीवी है। और मैं सोचूं मुस्तान भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे है, आपने तो खुद शादी नहीं की अभी तक तो। अच्छा, और फील के साथ भी आदमी तब पकड़े कि आप हाथ पकड़ते हैं किसी का कि अपनी बीवी फील करके, और मेरी थी उसमें चार। तो किसके किसके लिए फील तो पहले दिन ही मैं शाही हुआ, फिर मैं फैला पूरा। कभी ऐसा हो कि बहुत सीरियस सीन कर रही हो और आपकी हंसी नहीं रुक रही हो? बहुत बार हुआ है, वो जो मेरे हंसी का प्रॉब्लम है, एक बार छूटती है तो बंद ही नहीं होती। जैसे ना एक बार काजल मैम ने बताया कि वो डीडीएलजे की शूटिंग के टाइम पे आदित्य चोपड़ा साहब डायरेक्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अपनी जैकेट खोल के दिखाते हैं काजल को, और उधर सब किसेस हैं, और वो जिप की आवाज आती थी कर, तो वो सुन के काजल इतनी हंसी जाए कि उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। तो वैसा आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं वीर ज़ारा कर रही थी, अच्छा जी, और शाहरुख के साथ मैंने हमेशा रोमांस किया है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि
और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है. मतलब उनका नाम ही रोमांस है. Actually. मतलब इतने प्यारे हैं. तो अब मैं फंस गई क्योंकि शाहरुख मेरे सामने थे. मतलब ओल्ड मैन, उनकी कुछ वाइट हेयर है और ऐसे ऐसे कुछ एक मतलब गेटअप था उनका जहाँ सफ़ेद बाल ऐसे आ रहे थे मुंह पे. अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूँ तो मुझे अभी उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है. अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है और वो हो ही नहीं रही हमसे. और दोनों से हमारे से नहीं हो रही है और हम हंसे जा रहे हंसे जा रहे हैं. फाइनली यश अंकल ने इतना डांटा हमें कि हम दोनों इतने घबरा गए कि हमने बोला कि नहीं 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 अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी. बट वो टाइम पे इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि एक तो शाहरुख को मैं ऐसे मतलब वो मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी बुढ़े नहीं हो और वैसे ही यंग और एवरग्रीन रहे. बट वो फिल्म में बहुत तकलीफ हो गई थी उन्हें उस गेटअप में देख के. मुझे वाकई बड़ा मुश्किल होता है जिसको आपने हमेशा ऐसे ही देखा हो रोमांस और आपके सामने वो ऐसे बने और मान नहीं रहे थे ना कि आप मेरा केस लड़ो. एक्चुअली यार आपकी जितनी फिल्में सारी कमाल ही हैं वैसे. जबरदस्त हिट. वाह क्या बात है. कभी ऐसा हुआ कि आप दो आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया इनका फंबल हो गया था? बहुत बार होता है ना ऐसा. हाँ, पहले पहले होता था जब मैं नहीं थी ना. हाँ. तभी होता था. अभी मजा ले कोई ऐसे बोले. कभी ऐसा हुआ है रानी जी कि आप बहुत पॉपुलर हैं लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ये वो, थैंक यू. और मतलब अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी. तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव. तो कई बार लोग ऐसे होते हैं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल दिया? अरे क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहते कि रानी कौन है प्रीति कौन है. कई बार लोग मुझे मिलते हैं. हाँ. अरे प्रीति जी इतना मजा. आई एम लाइक जी थैंक यू. क्या क्या बोले? एक्चुअली आदमी क्या बोल नहीं सकते ना कि नहीं नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते. सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी हैं, वो तो फिल्मों में बड़ी दुबली लगती हैं आप. और कभी कभी ऐसे बोलते हैं अच्छा आप इतनी लंबी नहीं है. नर्वस कर देते कभी कभी, घूरते रहते हैं आपको देख के. देखा है मैंने आपको कहीं. हाँ. फिर अजीब सी कोई बात कर देते हैं पर ये प्यार है लोगों का. yeah. इसी की वजह से हम हैं. बंटी और बबली जो है दो ठगों के ऊपर है और इसमें तो दो जोड़ियां हैं, ये लोगों को लूटते हैं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने कभी किसी को ठगा हो? वो आप कम ही बताएंगे मुझे लगता है. लेकिन अगर आपको किसी ने ठगा हो तो वो भी आप किस्सा शेयर कर सकते हैं. जी भाई साहब माइक दे दीजिए. हेलो कपिल सर. हेलो जी. हेलो रानी मैम. हेलो सरवरी मैम. हेलो अर्चना मैम. माय सेल्फ लोकेश बंसल, आई एम फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा. सर मेरी लाइफ में भी एक इंसिडेंट हुआ. एक लाइन तो सारे याद कर लेते, माय सेल्फ फ्रॉम इधर, आई एम फ्रॉम दैट, और उसके बाद हिंदी में आते हैं. जी सर मेरी लाइफ में भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैंने ठगी टाइप कुछ किया था. आपने की? यस सर. इतने ऑनेस्ट हो यार, मान भी रहे आप. क्या किया आपने? सर जब हम 12th क्लास में थे तो जो हमारा बॉयज का फ्रेंड सर्कल था तो उस टाइम काफी साल पहले की बात है तो स्मार्टफोन ज्यादा चलते नहीं थे, कीपैड फोन चलते थे. तो जब भी लंच ब्रेक होता था हम सारे फ्रेंड साथ में बैठ के बस यही डिस्कस करते, तेरी फ्रेंड लिस्ट में कितनी लड़कियां हैं, आज मेरे को उसने रिक्वेस्ट भेजी, उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. लेकिन एक फ्रेंड ऐसा था उसकी कोई भी लड़की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो हमेशा उदास रहता था. अच्छा. तो उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ प्लान आया, मैंने एक फेक आईडी बनाई एक लड़की के नाम से. किस लड़की के नाम से? पूजा के नाम से. देख लो रिक्वेस्ट भेजी. सूजा हुआ पूजा. मैंने उसके पास रिक्वेस्ट भेजी, वो खुश हो गया कि लड़की खुद उसके पास रिक्वेस्ट आई है. उसने फटाक से एक्सेप्ट की, फिर बातें शुरू हुई, थोड़ी ज्यादा बातें होने लगी, फिर हम क्लोज हो गए. फिर उसके बाद ठगी करने का प्लान आया. उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगा होता था. हाँ. तो फिर मैंने उससे रिचार्ज कराने के लिए बोलने लगा कि कभी 100 का टॉप अप कर दे, 200 का, 500 का, ऐसे करके मैंने उसे 3000-4000 का रिचार्ज करा लिया. Yes. बस ऐसे तो समझ में आ रहा है बंटी बबली 2 हिट होने वाली है क्योंकि काफी बंटी बबली घूम तो रहे हैं हर जगह. 4000 रुपया खर्चा कराया आपने, ऊपर से बेचारे का दिल टूटा. फिर बताया कि नहीं उसको आपने बाद में? नहीं उसको पता चल गया था बाद में, एक साल के बाद. कैसे पता चला?
वो एक्चुअल में यहीं पे बैठा है सर, वो फ्रेंड जिसके साथ में इंसिडेंट हुआ था ये। कहाँ है? तभी आपसे दूर बैठा हुआ है वो। क्या हाल है भाई साहब, खड़े होके बताइए जरा। कितना बेचारा भोला शरीफ आदमी, 4,000 रुपया उसका लगवा दिया आपने। नहीं सर, लेकिन एक बात हो रहा है जी, वो कहावत था ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, तो जिस मोबाइल से मैं सब करता था, कुछ टाइम के बाद मैं मोबाइल स्कूल में ले गया था, वो मोबाइल वहीं खो गया उसी दिन। इन्होंने लिया होगा आपका मोबाइल? नहीं, इन्होंने तो नहीं लिया। नहीं लिया, दे दो उनका मोबाइल। इन्होंने पैसे ले लिए थे बाद में मेरे से। अच्छा, और कोई हमारे दोस्त अपनी ठगी? ये यस, इनको माइक दीजिए मैडम को। हेलो एवरीवन, हाय कपिल, माय नेम इज कल्पना एंड आई एम फ्रॉम बोरिवली। बिफोर आई स्टार्ट, मुझे ये कहना था आपसे दैट आई लव यू कपिल, लाइक यू आर ऑसम। मैं शर्मा जाता हूँ, मेरे को कोई ऐसा बोलता है, एक्सप्रेशन क्या देने होते। थैंक यू माय डियर। या एंड मैम, हेलो मैम, यू बोथ लुक गॉर्जियस। थैंक यू। सो मेरा किस्सा बेसिकली ये था दैट आई गॉट अ रैंडम कॉल सेइंग कि हेलो मैम, हम आपको स्टॉक मार्केट्स में टिप देते, फॉर श्योर प्रॉफिट ही होगा, आप इतने पैसे भर दो। मैंने कहा ऐसे कैसे पैसे भर दूं, लाइक रिजल्ट्स क्या है? सो उन्होंने जो स्टार्टिंग में रिजल्ट दिए तो मुझे प्रॉफिट हुआ, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। सैफ सर की बाजार मूवी भी देखी थी, तो आई वॉज टू एक्साइटेड कि अब तो हम भी बनाएंगे स्टॉक मार्केट में पैसा। अच्छा जी। टू एक्साइटेड मैं तो थी, फ्रेंड्स को भी बोल दिया पैसे रेडी रखना, जहाँ बोलो वहाँ इन्वेस्ट कर देना। सो हम सब रेडी थे। नेक्स्ट डे वी गॉट अ कॉल कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कैन यू इमेजिन, आई लॉस्ट 47,000 ऑन सिंगल ट्रेड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड एवरीबडी सॉरी। हद तब होती है जब वापस कॉल कर रहा है बंदा एंड ही इज सेइंग मी कि मैम वापस पैसे भरो, प्रीमियम सर्विसेज है, उसमें फॉर श्योर प्रॉफिट होगा। मैंने कहा तू फोन रख, मैंने उसको ब्लॉक किया। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट कि वी शुड नॉट गो ऑन टिप्स एंड एवरीथिंग, स्टॉक मार्केट में खुद का स्टडी करो, नॉलेज लो, देन ओनली इन्वेस्ट। एंड फ्रॉम 3 years आई एम स्टार्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड फाइनली आई ओपन माई ओन फ्रेंचाइजी। सो अगर अभी आपको टिप्स चाहिए तो यू कैन। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। 3 years I worked with a research firm and then I have started a franchise now. So you can trust me. आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यही प्रेरणा देती है कि फोन कोई करे आपको, उसको मिलना चाहिए था, आपको बुलाना चाहिए था कि मुझे बड़ा फायदा हुआ, आओ मिलो मुझसे। उसको खुद को पता था कि ये लॉस हो रहा है। अच्छा, हाँ तो वो भी शाना ही था ना। कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक्स, शुक्रिया। अच्छा एक और थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आई है, तो हो गई अपनी ठगी वाली बातें। आपको जैसे पता है कि बंटी और बबली 2 में दो जोड़ियां हैं, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ठीक है? आपकी समझ क्या कहती है, लड़के ज्यादा ठग होते हैं कि लड़कियां? और भाई साहब ने हाथ खड़ा किया, इनको माइक दे दीजिए। और वो भी इतनी जल्दी। हाँ, जरूर लड़की बोलेंगे, बोलेंगे लड़की। एक्साइटमेंट मैम। हाय सर। हाय मैम। हाय मैम। सर माय नेम इज अरबाज, मैं माथेरान से आया हूँ। अरबाज बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा चीकी का बिजनेस है माथेरान में। ओ मिठी वाली चीकी लाए? यस मैम, बाहर है। बाहर है? अच्छा, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है माथेरान का चिक्की। मैम है बाहर, लाके देता हूँ आपको। कई चिक्कियाँ जो दांतों से चिपक जाती है वो कौन सी होती हैं, जो ऐसे घुमा के निकालनी पड़ती है? वो हल्की में की होती है, उसमें क्वालिटी होते है सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स ज्यादा ठग होती है। गर्ल्स ज्यादा ठग होती है? हाँ, क्योंकि ये आइडिया आपको किसको देख के आया? मैम को देख करने आया। अच्छा है, वरना यहीं से पढ़ता। सर मेरे शॉप में जब होता हूँ तो ज्यादातर गर्ल्स आती है चिक्की खाने। हाँ सर। अच्छा। आने के बाद सब में पहले तो स्माइल देती है। हाँ। मतलब बंदा बोल्ड हो गया। उसके बाद लेगी हाफ केजी, लेकिन उससे ज्यादा तो खाती है सिर्फ। टेस्ट देख लेती है। यस यस, फज दिखा, फज चॉकलेट का, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट का मिठाई है। अरे मत बोलो, ऐसे मुंह में पानी आ रहा है। मैम लाया हूँ, आपको देता हूँ बाद में। तो खा लेती है, उसके बाद बोलती है, और पॉकेट नहीं होता है सर उनके पास, पॉकेट नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। जाते टाइम बोलती है अरे सॉरी मैं भूल गए पॉकेट, तो मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ पे, और सर चले जाती है, और उसके बाद डायरेक्ट गायब हो जाती है, आती ही नहीं। इसके लिए गर्ल्स सब में ज्यादा ठग होती है। आप लेने क्यों देते हैं? तो आपके साथ एक बार मान लो ऐसा हो गया, यस, इसका मतलब ये थोड़ी सारी लड़कियां ठग हो गई। नहीं तो वो शातिर हुए या आप बेवकूफ? तो जब आके घर वाले पूछते हैं बेटा ये चिक्की बेची, सामान कहाँ गया, तो तुम भी दे दे कर कि यही आया था, आप भी ले लो ये। मैडम कुछ कहना चाहते हैं आपके विरोध में? सर ये जो, पहले तो नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, पीटो जाके, पीटो जाके। जी आप क्या कहना चाहेंगी इस विशेष मुद्दे पे, प्लीज? सर
सर एक तो ये जो चिक्की वाले भैया हैं वो खुद ही इतने मतलब अब देखो भगवान ने दी तो शक्ल सभी लड़कियों के इतनी सुंदर है कि स्माइल करना बनता है ना. अब ऐसा तो है नहीं कि शॉप में जाके स्माइल नहीं करेंगे और स्माइल करते तो इनकी गलती ये पिघलते हैं. और फिर यही लोग बताते हैं ना मैडम ये भी टेस्ट करो मैडम ये भी टेस्ट करो मैडम ये भी टेस्ट करो. अब बताओ सर 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 सिर्फ बात नहीं करते बात करेंगे यू बाल राउंड करेंगे हंसेंगे जानबूझकर स्माइल देंगे. यंग लड़का है सामने मेरे 21 एज है जानबूझकर 20 ऐसे जानबूझकर खड़े रहेंगे. बंदा सर बंदा पिघल जाता है बंदा गुड़ का बना होता है. नहीं देखो मैडम ने सही कहा आप फिर क्यों टेस्ट कराते हैं बार बार ये सर, भी टेस्ट सर कराना पड़ता है तो लेगी ही नहीं ना सर. वो बोलते है क्या टेस्ट कराओ अगर नहीं बोलेगे तो निकल जाएगा. नहीं लेगी तो दिक्कत और उसने खा के पैसे नहीं दिए तो दिक्कत क्या करें काम बदल लो फिर या तो. चिक्की जैसा दिल है आपका. मैं मोम का दिल है. आप काम करो जब लड़कियां आए चिक्की लेने आपकी दुकान उनको बोलो पहले मास्क पहनो अंदर स्माइल करती रहे तुम अपना. हाँ करेक्ट अपनी चिक्की ढिंकी चिक्की अपना. आपका क्या नाम मैडम. सर मेरा नाम भानुश्री है. भानुश्री आपने अपने तर्क जो है बड़े ही दलीलों के साथ रखे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए. शुक्रिया थैंक यू. अरे शर्मा शर्मा बोलो कहाँ भाई बोल कैसे हो अर्चना पूरन सिंह सब ठीक है. सब ठीक है यार. शर्मा रानी मुखर्जी आएंगी तो मुझे बताना मैं बड़ा फैन हूँ. अरे नमस्ते मैम. रानी जी अगर आएंगी तो आप भी मुझे ए, ए, ए। शर्मा ये तो रानी मुखर्जी है. हाँ तो अरे यार तुम तो पहले बताना चाहिए मैं तैयार नहीं हूँ. मैं एक मिनट में चेंज करके आया. एक मिनट रुकिएगा मैं अब भी आया चेंज. अरे ओह क्या चेंज करके आए आप. मैं कर अरे मैंने अपना रुमाल चेंज किया ना. इससे अच्छा आप अपना मुंह चेंज कर लेते. अरे नहीं वो पुराना वाला बड़ा अजीब सा रुमाल था. देखिए मैं येलो लाया हूँ विद स्ट्राइप्स. यू लाइक इट. बड़ा अच्छा है ये. वैसे मैं आपको बताऊँ मैं बैठी हूँ शर्मा. आइए बैठिए. रानी जी आई एम अ वेरी बिग फैन. हाय सॉरी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको बताऊँ मेरे घर में मैंने नया टीवी लिया. अच्छा नया फ्रिज नया एसी और कम से कम मेरे घर में इस वक्त 1500 से 1800 रुपए हैं. इनको क्यों बता रहे हो आप. ताकि ये मेरे घर में चोरी करें. भाई इतने सुंदर चोर होंगे तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका घर लूट जाए. ये सामान आपको कम लग रहा है. मैं बहुत मेहनत करूंगा और सामान लाऊंगा लेकिन प्लीज मेरे घर में चोरी कीजिए. रानी जी मैं तो कहता हूँ आपका जो गिरोह है ना गिरो इसमें मुझे शामिल कर लीजिए. अच्छा बंटी बबली और एक और बी से कोई अच्छा सा नाम. बबलू बबलू बूंदी का लड्डू. ये सही. बूंदी का लड्डू ये नाम है. शुक्र ये आदमी हलवाई नहीं है वरना इसकी मिठाइयाँ होती रामू शामू बोलू. अरे भाई तेरा आधा किलो राकेश तो देना. दुकान में ये सामान बिक रहा है. सुनिए अरे वल्ली बोलिए बोलिए. आज हमारे घर में कीर्तन है. हाँ आपका तबला मिलेगा. क्या फालतू की बातें कर रहे हैं वकील साहब. वो असली के चोर थोड़ी है. उनकी फिल्म आ रही है बंटी एंड बबली. बंटी एंड बबली ट्रू ऑफ कोर्स. ये बातें मुझसे कहाँ छुप सकती हैं यार. अच्छा. मुझे सब पता है. मुझे तो आपकी वो जो फिल्म आई थी ना कुछ कुछ होता है. I love it. कि इत्तफाक की बात देखिए टीना भी यहाँ है. मिसेस ब्रिगेंजा भी यहाँ है और शाहरुख खान भी यहाँ है. कहाँ है शाहरुख खान. कहाँ है शाहरुख खान. रानी जी मैं कुछ मंगवाऊँ या आप ये सीताफल इनके सर पे मारेंगे. शाहरुख खान तुम. मैं शाहरुख खान नहीं लगता. नहीं. तुम तो कोई बड़ी वाली मेटाडोर लगते हो. मतलब मैं राजा बाबू भी नहीं लगता. चांद का टुकड़ा भी नहीं लगता. मैं कभी भी नहीं चांद का टुकड़ा. मेरी माँ आज तक मुझसे झूठ बोलती आई है. चरवरी जी थोड़ा सा यहाँ पे आके बैठेंगे. क्यों
यार मुझे कंधा चाहिए रोने के लिए. तो कंधा मेरा भी है, इधर रोलो मर लो. नहीं नहीं नहीं, इतना भी दुखी नहीं हूँ मैं. वैसे सरवरी जी, जी किस करने से क्या डर चला जाता है? किस करने से? क्यों? सिद्धांत जो है, मैंने कहीं उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था. अच्छा? कि उन्हें पानी से बड़ा डर लगता है. अच्छा. फिर मैंने आपके फिल्म का प्रोमो देखा. पानी में जो तूफानी कर रहे हैं डरने के बाद. अच्छा. भाई डर नहीं होता तो पानी में ये लोग आग ही लगा देते हैं. नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर मानूंगा कि पानी में किस करने से डर कम होता है, तभी तो सारी की सारी मछलियां ऐसे घूमती हैं. आप एक बार सिद्धांत के साथ पानी में कूद जाइए. आई विल अवॉइड इट. आपको क्या लगता है, ये धरती पर तो अभी आए पे ये पानी वाले जीव ही हैं? हाँ, बीच में हाई टाइड आया था तो ये बाहर आ गए. मैंने लेकिन मैं सच में आपका फिल्म का वो देखा, आप लोग जो काफी चोरियां वोरियां कर रहे हैं, सामान बेच तो क्या रहे हैं, ताजमहल और पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं. हाँ. तो मेरी एक हेल्प चाहिए थी मुझे आपसे. मेरे लिए लाल किला बेच देंगे आप? आपके पिताजी का है लाल किला. हाउ डिड यू नो? व्हाट एक्चुअली लाल किला मेरे पिताजी का है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये रहा लाल किला. ये किला है जो लाल है. मेरे पिताजी क्या, मेरे पिताजी जो है एक बार कुर्सी पे बैठ रहे थे, उन्होंने देखा नहीं पीछे किला पड़ा था, उस दिन जो ये किला लाल हुआ है आज तक लाल है. प्लीज इधर कहीं भेज दीजिए, मेरे पिताजी की पहली निशानी है. आखिरी निशानी होती है? नहीं, वो अभी गए थोड़ी ना है यार, आखिरी क्यों? वो अभी जिंदा है, तो ऐसी छोटी छोटी निशानियां वो बहुत सारी छोड़ेंगे. वकील साहब, आज तो हद कर दी आपने. मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं की, वो इन्होंने की है. हद कर दी आपने इनकी फिल्म में. मैंने नहीं की है. रानी जी, वैसे एक बात बताइए, आप यहाँ पे गाड़ी से आई होंगी ना? क्यों? क्योंकि चलते चलते तो ये फिल्म कर लेती हैं. मैं आपकी उठने में हेल्प करता हूँ. आप जाओ. आम ओके, आप जाइए यहाँ से. वैसे एक बात याद आई, एक नोटिस था आपके लिए. क्या? मेरे लिए? एंड इट्स वेरी सीरियस. इट्स अ लीगल नोटिस. अच्छा. इसमें साफ साफ लिखा है, वेयर इज बंटी एंड बंटी. लीगली अगर देखा जाए तो बबली जो है अपने बंटी के बिना ऐसे आ गई है. अधूरी 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 है. अधूरी है, पूरा करना इन्हें जरूरी है. अगर आप कहते तो मैं सोचती हूँ. बंटी को लेकर आइए जी. जरूर आइए, प्लीज लाइए, मजा आएगा. चलिए अभी मैं चलता हूँ. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. रानी मैम, ये अपना वकील है, फालतू में कर देता है केस वेस ना. मैं प्लीज, आप लोग अपने बंटियों को लेके आएंगी? आप चले? चलो चलो. अच्छा, पर आप जरा हमारे बंटियों को बताना मत हमें फोन करके आए थे उन्हें. नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा. तो ऐसे प्रिटेंड करूं जैसे हम आए नहीं थे. मैं क्या, आई लव यू. मतलब आपको आइए मेरे बंटी के सामने मत कहना. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा. प्लीज वेलकम रानी मुखर्जी एंड सैफ अली खान. सैफ सर, रानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आइए आइए, विराजमान हो जाइए. थैंक यू. सैफ सर का ये साल में ये तीसरा प्रोजेक्ट है. पहले तांडव किया, फिर भूत पुलिस, अभी बंटी और बबली 2. सर, आप लगातार काम कर रहे हैं, आप वर्कोहोलिक हैं या फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर आप पे भी है? फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर नहीं, मुझे इस बात का डर है अगर मैं घर बैठा रहूं तो शायद और बच्चे हो जाएंगे. इसलिए मैं ज्यादा काम करता हूं. वेरी नाइस स्ट्रेटजी सर. यस. सो यू वांट नी कैप? अरे पिछली बार तुमने मेरे चश्मों के बारे में बोला था कि मैं जॉन्डिस वाले चश्मे पहन के, इस बार मैं टाइफाइड वाले चश्मे पहन के आया हूँ. सम सिक जोक्स. आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना जी, वो इतनी मजेदार लगती है जब भी आपने साथ में काम किया. अच्छा, जब हम तुम में आपने काम किया और आज 16-17 साल बाद
आप दोनों को एक दूसरे में क्या बदलाव नजर आता है? पहली बार जब मैं सैफ को हम तुम में मिली थी तब भी उनके दो बच्चे थे, और अब जब मैं 2021 में उनको मिल रही हूँ बंटी बबली 2 में, अभी भी उनके दो और बच्चे हैं। यार बच्चों की बहुत बात होती है इस शो पे। नहीं बट बहुत अच्छी बात है ना, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। आप एक्चुअली आप दोनों मुझे टच कर दो, शायद मेरी भी निकल पड़ेगी एक और टच। टच गुड लक, ब्लेस यू, ऑफ कोर्स, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू 100%। आपको क्या चाहिए? मैं बताता हूँ, शुरुआत में जब हम काम करते थे तो हम दोनों यशराज के लिए कुछ 3-4 फिल्में कर चुके हैं हम लोग। मैंने तो और पहले साथ में हम लोग चेक का इंतजार करते थे, लेकिन अब मैं अकेला इंतजार करता हूँ कि ये मेरा चेक कब साइन करेंगे। ये एक अच्छा चेंज आया है। एक एक सवाल अगर आप दोनों को एक दूसरे से पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप? क्या पूछे आप? क्या पूछेंगे आप? पूछे जेंट्स फर्स्ट। तो पहली बार जब आपको पता चला कि आप मेरे साथ फिल्म कर रही हैं, तो आपने आईने के सामने खड़े होकर बोला कि वाओ आई एम सो लकी मैं सैफ के साथ फिल्म कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स रानी। और जब शायद आपने ये मौका पाया कि मैं रानी मुखर्जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आईने के सामने गए होंगे और बोलेंगे वाओ सैफ तुम्हारी तो निकल पड़ी। मैं तो अक्सर वाओ बोलता हूँ। नहीं मैं बहुत खुश था, मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि आप इतनी अच्छी और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइंस और डायलॉग्स अच्छी तरह सीख के होमवर्क करके पहुंचना पड़ेगा वरना मैं सैफ हमारे इस फ्रेंचाइज में नए बंटी हैं जी, और बंटी के रोल में आना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारी जो पहली बंटी बबली थी जी, उसमें मेरी और अभिषेक की जोड़ी को बहुत पसंद किया था ऑडियंस ने, और इस बार कोई रीज़न के लिए अभिषेक नहीं कर पाए पिक्चर जी। फिर ऑब्वियसली सैफ आए और उन्होंने हमारे फ्रेंचाइज को और चांद लगा दी हमारे फ्रेंचाइज में। लेकिन जिस तरह से सैफ ने राकेश की भूमिका निभाई है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनका जो राकेश है बहुत ही डिफरेंट है, और उन्होंने राकेश को एक अपना एक सैफ वाला फील दिया है जो कि कमाल का है। थैंक यू मैम। He was absolutely stunning. और आपने सबने देखा होगा सैफ की जो तोंद है जी इस फिल्म में, तो हमारे इस फिल्म में 4 लोग हैं, मैं सैफ, सिद्धांत, शर्वरी और सैफ का तोंद। पांच। क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मेरे तोंद के अंदर एक बच्चा है, एक और। No more babies. नहीं नहीं have more. You and Kareena make such beautiful babies. You have now. Of course I have. Yeah, bless. Yes, bless you. Bless. सब लोग bless करो। एक बात बताइए, ये वैसे बड़े शरारती हैं सैफ सर, मैंने देखा है इनका ह्यूमर बड़ा मजेदार होता है। ह्यूमर ऐसा होता है कि वो पोकर फेस से ह्यूमर करते हैं, मतलब सीधा फेस, तो कभी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप फिल्म नहीं कर रहे होते उस समय आप क्या कर रहे होते? मैं थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ और वो डिगर होता है ना, हाँ वो कैसा, मतलब सड़क कैसे खोदती है। मैं दिन भर देख सकता हूँ उसे। बट सैफ एक महीने में तुम कितनी किताबें पढ़ लेते हो? आई नो यू रीड अ लॉट। एक महीने में मेरे पास बहुत किताबें हैं लेकिन मैंने सब पढ़ी नहीं है। किस तरीके की बुक्स आपको ज्यादा पसंद है? नॉवेल्स, कभी कभी हिस्ट्री, अलग अलग चीजें, अलग अलग सब्जेक्ट, हर तरीके का पढ़ लेते हैं आप जी। रानी मैम आप क्या करती हैं जब आप फिल्में नहीं कर रही होती? मैं अधीरा का ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, और जो स्क्रिप्ट्स होती हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए तो उनको पढ़ती हूँ, ट्रैवल करती हूँ बहुत मेरे हस्बैंड के साथ। वाओ। सो या एंड नाउ ऑफ कोर्स फ्रॉम ये जो लास्ट 2 साल जो कोविड था, हमारे बच्चों ने ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो मैं अधीरा के साथ उनको ऑनलाइन स्कूल कराती थी बिकॉज मेरी बच्ची अभी भी बहुत छोटी है। जब कोविड शुरू हुआ था तो वो नर्सरी में थी और अब वो किंडरगार्टन 2 में है। अच्छा।
तो दो साल एकदम उनके साथ बैठ के ऑनलाइन स्कूल कराया उनको. वाओ. तो उन्हें कुछ मिले ना मिले, मुझे बेस्ट पेरेंट का अवार्ड तो मिलना चाहिए स्कूल. बिल्कुल मिलना चाहिए. और ये दो सालों में तो मिलना ही चाहिए सब पेरेंट्स को. रानी मैम, ट्रेलर में आप पंजाबी भी बोल रही हैं बीच में. जी. वैसे आप बंगाली हैं. जी. हस्बैंड आपके पंजाबी हैं, दित्य चोपड़ा साहब. तो आप वो और मेरी जो बच्चे हैं उनमें मिक्स है खून, सरदारों वाला और बंगालू वाला. अच्छा. सरदार बंगाल का अच्छा कॉम्बिनेशन. वो कंफ्यूज नहीं होती बच्ची कभी कभी की जोल खाबो के पानी पीबो? वो हमें कंफ्यूजा कर देती है. एक है हम पर राज कर रही है अभी, इसलिए मैं तो चाह रही हूँ कि एक और आए तो उसका राज थोड़ा कम हो. बहुत जल्द आप पे भगवान की कृपा होने वाली है. अच्छा, फिल्म में आप बोल रहे हैं ना, जब आप बंधे हुए हैं ट्रेलर में, तो आप बोल रहे हैं कि तुम गैस चलती छोड़ा है, ये छोड़ा है. वैसे आप दोनों में से देखो, हमें क्रिएटिविटी हमारी जो होती है. देखो आप हम कैसे डिटेल में घुस रहे हैं. क्या बात है कपिल, वो जो भूलने वाली बात है. वाह 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 कपिल. अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों सच्ची में, आप बड़े क्यूट हो, यू नो, रियली. यार मैं ना वेरी नाइस. मैं इनके सामने एक्चुअली घबरा जाता हूँ, क्योंकि ये कब कहाँ से कौन सी बात निकाल के सामने मारे ना, पता नहीं चलता. वैसे आप भूलती हो रियल लाइफ में चीजें रानी? बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं. जैसे कि चश्मे मेरे यहाँ पे रहेंगे और मैं पूछ रही हूँ अरे मेरे चश्मे कहाँ. ये बहुत बार बहुत बार होता है, बहुत बार. कभी कभार तो मैं ब्रश करना भी भूल जाती हूँ सुबह. हाँ, याद नहीं रहता कि मैंने आज ब्रश किया था सुबह. सच बोल रही हूँ मैं. और फिर ऐसे आज लगता ब्रश है कि किया है ना? अरे आज किया है सर, आज मुझे पता है बहुत करीब आना था आपके आम तुम के लिए, तो आज तो मैंने याद करके सुबह उठ के ही ब्रश कर लिया था. नहीं, पर कभी कभी ऐसे होता है तो मैं फॉर सेफ्टी रीजन एक बार और ब्रश कर लेती हूँ. बहुत अच्छी बात है. कभी कभी वाकई में ऐसा लग रहा था आदमी कान पे लगाया होता फोन, अरे मेरा मोबाइल देखा किसी ने, अरे मोबाइल आ रहा है. ऐसे होता है आपके साथ? मेरे साथ हुआ है. मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? नहीं होता, क्योंकि दिमाग इतनी जगह कभी कभी दौड़ता है. एक्चुअली कपिल, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एज, यू नो. जी वैसे सैफ सर, मैं मेरे सवाल थोड़े ऐसे ही रहते हैं, आपको पता है. हम हमेशा देखते हैं कि सैफ साहब, सैफ अली खान साहब, नवाब साहब, नवाब साहब कहाँ के? नहीं बिल्कुल. कभी आपको कभी ऐसा कभी आपको हुआ है कि करीना ने आपको बोला हो रात के 2-3 बजे कि एकदम से बेबी उठ के रोने लग गया कि सैफ तुम देखो तुम्हारा भी पार्टनरशिप उतना है, और आप उठ के बेबी को चुप कराते? मैं पहली बार गया था, मतलब फर्स्ट बेबी. अभी सेकंड बेबी मैं बोलता हूँ, अभी आपकी बारी है. अच्छा, पहली बार मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाई. मैं तो वैसे ही थोड़ा लेट सोता हूँ. अच्छा. तो रात की ड्यूटी अक्सर मेरी रहती है. वाओ, नाइस. एक और बात जो हमारे जहन में आती है कि आप फिल्मों में काम करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं दोनों आप, लेकिन जब आप ऐसे कोई करेक्टर करते हैं आम गृहिणी वाले, ये जो खुद I am the mango people, इसलिए मैं आज मैंगो का कलर पहन के. ऑब्वियसली सोसाइटी में आसपास के लोगों को देखते हैं, आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं सर ये बंदा ऐसा करेगा, मैं अलग अलग जगह. हमेशा आई थिंक एक्टर्स को अवेयर रहना चाहिए, कहीं से भी कुछ आइडिया आ जाए, प्रेरणा मिल जाए कहीं से. एक्चुअली हम एक्टर रहते हैं लेकिन हमारे आसपास के लोग तो नॉर्मल ही है ना. राइट. उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझसे कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मैं किसी को ऑब्जर्व करती हूँ या स्टेयर, हम बोलते हैं ना, वी आर स्टेयरिंग, तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. बोलते हैं आप क्यों घूर क्यों रहे, तो मैं उनको बोलती हूँ ये मेरा काम है. जैसे आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, मैं एक्टर हूं, मुझे तो घूरना पड़ेगा ही. तो मैं उनको बोलते और वो बोलते बड़ा रूड है आप, कैसे किसी को ऐसे घूरते. मैं उनको समझाती हूँ कि एज एन एक्टर आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ. बिना घूर के ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं. वो एक, मैंने सुना एक फीमेल खासियत होती है. कैसे? बिना बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं बिना घूरे. नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही घूरती हूं. मतलब मेरी बीवी तो बोलती है मैंने ये देखा, बोले कब देखा तुमने, यू नो, आंखें यहां रहती है कभी. सैफ सर, ये बात आपने बड़े पते की और बड़ी ही बारीक ऑब्जर्वेशन है. आपकी वाइफ इस तरफ चल रही है ना, और इधर से कोई निकली और हमने इस आंख से देखा है, उनको इधर से पता नहीं कैसे पता चल जाता है. एक दिन मैं और मेरी वाइफ उसे लोखंडवाला की बैक रोड पे जा रहे थे, और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, इधर ड्राइवर और गिन्नी पीछे बैठी हुई थी. तो मैं अपने मस्ती में हेडफोन लगाए कुछ सुन रहा था. गिन्नी कहती
इस तरफ देखो, तो मैंने देखा तो एक लड़की भाग के जॉगिंग कर रही थी, मैंने कहा अच्छी थी वो, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहती नहीं, मैंने कहा तुम्हारी मिस ना हो जाए। अरे मैं क्या यार, मैं वेरी स्वीट ऑफ हर, बड़ी स्वीट है आपकी बेबी। अब पता नहीं दैट व्हाट दिस, आई वुड नॉट नीड टू डू इट, ही वुड डू इट एनीवेज। आई थिंक खूबसूरती को निहारना चाहिए, आई थिंक जो खूबसूरत चीज होती है हमें बोलना चाहिए कि आप खूबसूरत। ये मैं चाह रहा था कि कोई आके बोले, हमेशा ये मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हैं। और बाद में थोड़ी मार भी खा लो चलेगा। नहीं बट आप अगर अगर आप प्रेस कर लो कि अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई गलत बात नहीं। किसी औरत की खूबसूरती को प्रेस करना तो क्या हुआ अपनी बीवी के सामने? Why not? I don't think so. अच्छा I don't have a choice. Very bad. कौन सी औरत, कोई है ही नहीं। Excuse me. Yes, of course, of course. अरे मैं कहाँ फंस गया यार? तो अब फिर वापस घूम के जैसे आप मुझे देखते हो ना, मतलब निहारते हो मुझे। जी जी, हम सब निहारते हैं आपको। रानी, ही इज नॉट फ्लर्टिंग विद यू, बहुत डरा बैठा है आज। ये कम्प्लीटली डिफरेंट कपिल है आज यहाँ पर, वरना कपिल तो शांत नहीं बैठता। तुमने कॉम्प्लीमेंट इसे दिया और इसने वापस फ्लर्ट नहीं किया, आज कमाल हो गया। देखिए कमाल नहीं हुआ, मैं ब्लड चेक कराया था, मेरा B12 कम हो गया था, उस वजह से मेरा फ्लड निकल नहीं रहा पूरा। पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू कपिल। अब आप दो बच्चों का बाप किस तरीके से ब्लड करें, अब हम यही कह सकते हैं। पर जब आपकी गुलाम फिल्म आई थी ना जी, तो मैंने मेरी क्लास की लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी कॉलेज में। मैंने कहा अरे वो देखो उधर तुम, मैं क्या, मैं क्या दो चोटियां करके तेल लगा के आ जाती है बालों में रानी मुखर्जी करते, मेरे आंखों में आंसू आ गए, इतना प्यार। अच्छा मैम, हमारे जो दर्शक हैं, इन लोगों की कंप्लेंट थी आज जब आपके आने से पहले, कहते आप आती हैं, आप एक्ट्रेसेस से हीरोइन से खुद ही बातें करते रहते हो, हमारी कभी बात नहीं कराते। हाँ। तो आज मैं आपको खुला मौका देता हूं, जो आपका मन करे आप पूछ सकते हैं। जी वो भाई साहब, मैं आता, कैसे हो आप? आज हम इधर ही बैठ के बातें करेंगे, क्या हाल है जी, कैसे हो आप? आप बैठिए, आप भी बैठ जाओ, कोई नहीं, और सुनाओ। क्या पूछना चाहते हो आप रानी मुखर्जी से? सस्रीकाल मैम। सस्रीकाल जी। मैम मैं एक्चुअली अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। एक्चुअली रानी मैम की तो हम लोगों ने बचपन से ही मूवी देखी, हम स्कूल टाइम से बचपन से देखी। एक्चुअली मैं आपसे बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ होता है आपकी मूवी थी, उसमें आपका जो रोल था टीना मैम, वो भी मैंने बहुत बार देखी है। तो बहुत बार क्यों देखते हो आप, एक बार में समझ नहीं आती क्या क्या? सर उसमें इन्होंने एक्चुअली पंजाबी रोल किया था ना, तो इनका जो एक रोल था वही बहुत मोटिवेशनल था जी। और जब आपकी कुछ कुछ होता है मैम, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो आप टीना, राहुल, अंजलि और जो मैम थी मिस बिगेंजा, यस, तो वो आज एक सपना पूरा हो गया मैम आपको यहाँ देख के, और जस्ट बिकॉज ऑफ कपिल शर्मा के शो की वजह से मैम। धन्यवाद। तो आपने कुछ पूछना नहीं था उनसे? सर देख लिया वही बहुत है, पूछना तो सर। अच्छा कपिल जी, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। प्लीज ये जो आप बोल रहे हैं, आपने बचपन से मुझे देखा है, मैं भी बच्ची थी जब मैंने कुछ कुछ होता है किया था। I know. मैम पर हम एक्चुअली मैम उस समय स्कूल टाइम में थे ना, तो हम लोगों को हमेशा मैं भी स्कूल के बाद ही मैंने किया था। तो आप अगर बार बार फेल होते जाओ तो उनका क्या कसूर है? अच्छा लेकिन तब से जो टीना में बनी अब तक ठीक ही हूँ ना, मतलब सेम ही लग तो रही हो ना? सेम मैम, सेम, कोई डिफरेंस नहीं मैम, कोई डिफरेंस। सर आप पास बैठे मतलब नर्वस नहीं? अरे नहीं नहीं नर्वस, मैं कपड़े उतार के बैठा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आपका माइक आप इनको दे सकते हैं? Sure. क्या बात है। So sweet. आपकी मूछों का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, विरार के डॉन लग रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण। अरुण, अरुण जी कहाँ से आए आप? मीरा रोड से। मीरा रोड से आए, विरार के पास ही है, मतलब रास्ते में पड़ता है। तो क्या करते हैं आप? सर हम ऑटोमोबाइल की शॉप है। अच्छा जी, आज बंद है? आज चालू है। आज चालू है, तो कौन बैठा है उधर? मैनेजर वर्कर से। रानी मुखर्जी के चक्कर में दुकान छोड़ के आ गए ये।
तो उनकी तो दुकान ठीक चल रही, फिल्में चल रही, आप अपनी दुकान इसके भरोसे जोड़ के आ गए आप। कुछ आप पूछना चाहेंगे रानी जी से? मैम की पिक्चर हमने देखी थी, कॉलेज लाइफ में था तो मैंने देखी थी पिक्चर। अच्छा, He is also in college. मुझे लगा आप अभी भी कॉलेज में हैं। आपकी मूंछों का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली। ऐसा लगा कुमार शानू धूप में बैठे रहे काफी देर तक। पर बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आज आपके इतने सारे फैंस हैं आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर किसने बिठाया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कपिल सर। सेकंड ऑफ ऑल सर आप तो बोलते ही बंद कर दे हमारे। अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे भाई, आप अपना नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम गणेश है, मैं पुणे से आया हूँ और बहुत दिन का एक सपना था कि कपिल सर के शो में जाना है। शादी हुई आपकी? जी जी जी। बच्चे भी हैं? 3 साल हो गए सर शादी को, खाली नहीं अभी। बच्चे अभी नहीं है तो ऐसे लोगों की शूटिंग देखते रहोगे तो कहाँ से होंगे? बस अब गणेश आप पे जिम्मेदारी है, अभी पूना वापस जाके सबको बंटी बबली 2 के लिए लेके जाने का। मैम मैंने पूरी फिल्म आपकी देखी है, पहले जो आई थी बंटी और बबली। सारे पूरी देखते हैं सर? मैंने भी पूरी देखी है 2 बार। अच्छा जी हाँ। और आणि मी निश्चित संपूर्ण पुणेकरांच्या वतीनं तुम्हाला वचन देतो की नक्की आम्ही 19 तारखेला जाऊन बंटी आणि बबली दोन्ही संपूर्ण टीम बघू। धन्यवाद, थँक्यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स। और कोई? अरे नहीं मेरे भाई, और कोई रानी जी से बात करना? जी भाई साहब, यहाँ से मैं अपना शो पहली बार देख रहा हूँ आज, वाओ। जी भाई साहब, मैं आपके स्वागत के लिए 40 साल पुरानी साल लेके आया हूँ, पुरानी शो, वो भी इनकी शादी में इनकी सहेली ने दिया था। इनकी शादी में? तो आप क्यों उनका शॉल दे रहे हैं? आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका पति लगता हूँ। तो बोल रहे इनकी शादी में दिया था, तो आपकी शादी बोलिए ना। आप बैठिए बैठिए सर, इसमें बैठना है सर। है? इसमें बैठना। धन्यवाद। ये आज बड़े सौभाग्य की बात है। आइए आप इधर आ जाइए, 40 साल से पत्नी के साथ बैठ बैठ के थक गए होंगे, आइए बैठिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये ऐसा। आपकी एक ही वाइफ है? मेरा मतलब आपकी रियल वाइफ? राजा महाराजा नहीं है ना सर, एक ही रखते हैं। राजा महाराजा? राजा महाराजा तो अगर आप राजा महाराजा होते तो हम भी प्रयास करते। ये चद्दर का फंदा बनाएंगे आप? सर एक और अच्छी बात करूं जी, कि आज जो बंटी और बबली 2 आ रही है जी, ये आज का जो शो है पूरे विश्व में चर्चित हो और खूब इनकी बंटी बबली फिल्म चले, मेरी शुभकामना है। और मैं आपका स्वागत सम्मान करता हूं। अरे सर सर, आपका नाम इस दुनिया में, इस जग में खूब चले और हर व्यक्ति के जवाब में आपका नाम हो और आपको शुभकामनाएं दें। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये माइक आप घर ले जाओ, जो बोलना है बोलते रहना। कहाँ थी तुम इतने देर? एक बार रानी और सैफ अली खान के लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों बंटी और बबली 2 से हमारे बीच एक और जोड़ी मौजूद है, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको यहां बुलाते हैं। प्लीज वेलकम सिद्धांत चतुर्वेदी एंड शर्वरी वाघ। तो दोस्तों अभी आप बड़े और बंटी और बबली से मिले, तो ये है छोटे बंटी और बबली। सिद्धांत शर्वरी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धांत जी फिल्म में हमें पता है आपकी जोड़ी है, पर शो में जरूरी नहीं कि आप यहीं पे ही चिपक के बैठे, वो सोफा खाली पड़ा है वहां पे बैठे। हद है यार, मतलब पूरी फिल्म शूट कर ली अभी भी घुस रहे हैं पूरा। नहीं आप बैठ सकते हैं सर, वो एक फैमिली सी बन गई है ना फिल्म शूट करते करते, तो दूर रहना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? आह चतुर्वेदी साहब क्या बात कर रही हैं। सिद्धांत का मैं बहुत फैन हूँ, आपकी मैंने फिल्में देखी हैं, गली बॉय, इनसाइड एज, आपने इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छे काम की जब तारीफ होती है तो नेशनल अवार्ड वाली फीलिंग आती ना कपिल शर्मा शो में आके। आई मीन यस सर,
मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी जो फिल्में मैंने की हैं और इतना जो लाइफ में स्ट्रगल किया है, परिश्रम किया है, वो इस वजह से किया ताकि मैं यहाँ आ सकूं, इनके सामने बैठ सकूं। मैंने अच्छे से सिखा के लाई उसको। यार दुनिया भर ये शो देखती है, मुझे लंदन से और अमेरिका से फोन आते हैं और लोग बोलते हैं कि इतना फनी शो है, ये कॉमेडी करना कोई आसान बात थोड़ी है, लोगों को हंसाना। अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। नहीं, और सच में ये जो कपिल का शो है, इट्स द टीम। ये जो टीम वर्क आपकी होती है ना, जितने लोग हैं आपके शो में, मतलब उनके लिए लाइक अच्छी। आपको पता है रानी मैम, जब सैफ सर पहली बार आए थे तो सैफ सर को पता नहीं था हमारे शो का। बोलते यार मैंने तुम्हारा शो कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा है कि अब्बा आप प्लीज उनके शो में जाइए। हाँ, उन्होंने मुझे बोला था, मतलब उनके बड़े बच्चों ने बोला था। बड़े बच्चों ने वो भी स्पेसिफिक ना जी। सर मैं बता रही हूँ, जिस दिन हमारी ट्रेलर आई थी उसके बाद मुझे एक डीएम आया था, व्हेन आर यू गोइंग ऑन कपिल। हाय हाय, बताओ। ओए होए, क्या बात है। शर्वरी, आपका नाम मैंने ना पहले फरवरी के हिसाब से याद किया है, क्योंकि मैंने बड़ा प्यारा नाम है, यूनिक नेम है, मैंने कभी सुना नहीं। अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। कपिल, यू आर ग्रेट यार। मतलब मैं जनवरी के हिसाब से भी कर सकता था, पर मैं शर्वरी, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल नेम। कैसा लग रहा है नवंबर के महीने में शर्वरी आप आ गई? सॉरी, अबे क्या मैंने तो स्वेटर पहना है। इन्होंने कुछ अच्छा, बट मैं तो हमेशा से हॉट हूँ, तो मुझे तो गर्मी लगती है। नवंबर हो या दिसंबर, जनवरी हो या फरवरी, मैं तो हर सीजन में हॉट हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शर्वरी, कैसा लग रहा है आपको सैफ सर और रानी जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने एक इतने महान कलाकार को आप मिल रही? नहीं, एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि पहली पिक्चर इन लोगों के साथ करने को मिलेगी, तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जितना हमें इनसे सीखने मिला है, वो शायद हम बहुत सारी फिल्मों में ना सीख पाते, बट हाँ, सिड और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है 19। ये भी हम लोग ने उनको सिखाया। पूछ रहा था कि आप दिल से बोल रही हैं? ठीक से बोला बेटा। मैं आपको एक बात बोलूं, जब मैंने गली बॉय में आपको देखा और उसके बाद बंटी और बबली के ट्रेलर में देखा, फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये वही लड़का है जिसने इनसाइड एज में वो बॉलर का रोल किया था, इतना कमाल किया था आपने। ओए यार, उसके बाद वो तो मैं भूल गया। हाँ, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन गली बॉय में, एकदम थोड़ा बॉडी बॉडी बना के आ गया और उसमें एकदम दुबला पतला, क्या बात है ब्रो, बड़ा अच्छा काम किया आपने। और आपको पता रानी मैम, बहुत मेहनती है सिद्धांत, इसने जब इनसाइड एज किया ना, तो इसने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, गली बॉय में रैप की ट्रेनिंग ली, और मैंने तो सुना है बंटी और बबली से पहले जेबें भी काटता रहा। Is it true? मैंने देखा बंटी और बबली के लिए गेटअप्स आपने इतने चेंज किए हैं, हम कभी कभी पहचान नहीं पाते यार, इतने मजेदार लग रहे हैं आपके कैरेक्टर। कितने टोटल आपने किए हैं इसमें गेटअप्स? सर कुछ पांच किए हैं। पांच? वाओ, और पांचों ही अलग अलग है, अलग कमाल के लग रहे हैं आप। शर्वरी, वैसे तो मुंबई में लाइट जाती नहीं है, आपके कभी जाती होगी तो आप कैंडल तो नहीं जलाती होंगी, आप खुद ही बड़ी चमकती हैं। रानी, so sweet. Are you noticing the difference? Yeah. Sharvani, तुम इतनी radiant हो, यार एक respect होती है। ये होती है ना, जो अंबाले वाली भुआ नहीं होती, जो आपके फैमिली में दरार डालती है, ये वो है ये। नहीं, actually अंबाले वाली भुआ। आपने दोनों चीजें पहली बार सुनी ना, अंबाला भी भुआ भी। भुआ सुनिए। सॉरी मैम, आप कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं यही बोल रही थी कि अच्छा है, मतलब इट्स वेरी सो स्वीट ऑफ यू। या सो स्वीट, यू स्वीट गाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप टॉन्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सो स्वीट ऑफ यू मैम, जब चार पांच बार सो स्वीट बोलती है, इट डज नॉट मीन सो स्वीट। मेरा अगला क्वेश्चन भी ना वैसा टाइप ही था, उसके बाद आप फिर ना कहीं बोल दें। व्हाट टाइप डार्लिंग? मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आने वाला है हमारे लिए? और क्या इनकी तरफ? बहन जी ने कहीं बोला था। अब मैं क्या करूं यार, मतलब ये मत करो। अब देख लो, अब मैं फंस गया हूं। मैं बुआ जी फंसा दिया आपने। मैं एक्चुअली बुआ जी फंसाने के लिए बैठी हूं वहां पर। हाँ। इन्होंने परमीत को भी फंसाया है।
नहीं ना नहीं ना he is there he has been there जब courtship हो रही थी मेरी परमीत के साथ मैंने नहीं जानता आपको lovely couple you are for me she's always Mrs. Braganza oh Mrs. Braganza and you are the Tina who changed quite the face of Indian cinema for so many years thank you एक्चुअली वो ना पोस्टर वाला दौर चला गया जो पोस्टर लगते थे ना मैंने आपको पिछली बार भी बताया था सैफ सर जब नए नए फिल्मों में आए थे ना इनके लंबे लंबे बाल होते थे ना दिव्या भारती जी के और रानी जी आपके पोस्टर अब पोस्टर वाला दौर चला गया आपको पता है अभी दिवाली निकल के गई है अब पता नहीं होता कि नहीं होता फुलझड़ी का जो डिब्बा होता था ना उसके ऊपर आपकी फोटो लगी रहती थी ऐसे तो ऐसे लगता था रानी मुखर्जी खुद निकलेंगी डिब्बे में से और ये फुलझड़ी चलाएंगी आपकी भी फोटो लगी थी पता है दिवाली पे मैंने देखा बड़ी सारी फोटो लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा था मिलावटी चीजों से बचे पर मेरा सवाल ये था जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ अभी रानी जी की वजह से पूछो इन्होंने कहीं कहा था कि मुझे वो लड़के बड़े अच्छे लगते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है ओए ओए। पर अगर उन लड़कों की शादी हो गई हो फिर भी अच्छे लगते हैं आपको आई मीन अब आपने तो मुझे बोल दिया बहन जी तो भाई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग देखिए वो शब्द इस्तेमाल करते हो मेरे ऊपर सामाजिक दबाव था पर मैंने दिल से नहीं बोला वो सो स्वीट और बच्चे बच्चे ये बोलती रहती है मैं बच्चे तो इतने इतने से उनको क्या पता चलता है पापा का क्या अरे पर गिन्नी को तो पता चल रहा होगा ना गिन्नी वो उनको संभालने में इतनी बिजी है वो भूल भुलैया में मत रहिए हम लोग बच्चे संभालने के साथ साथ आंखें और सब कुछ कान वान सब हर जगह रहती है या फिल्म प्रमोट करने आई मेरी बीवी को ट्रेन करने आई आप हाँ बिना घूर के हाँ हमारी जो एंटेना है ना वही ना वैसे खड़ी रहती है एक्चुअली ना वाइफ जब वैसे ही पूछ ले ना हम भले शूटिंग से जा रहे हैं वैसे ही पूछ ले ना कहाँ से आ रहे हो तो आदमी एक सेकंड के लिए तो सोचता है कि मैं कहीं गया तो नहीं था तो वैसे डर रहता है सिद्धांत एक बात बताओ गली बॉय में जो आपने इतने रैप वैप किए अभी आपको उनमें से कुछ याद है बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने बोला यार ये तो पकड़ में आने वाला नहीं है काम करो आप खुद ही लिखना शुरू कर दो क्योंकि आप जो लिखोगे अपनी जर्नी के बारे में राइट अपनी कहानी के बारे में वो शायद याद रह जाएगा तो मैम उस तरह से मैंने ये स्किल जो है गली बॉय से एक्वायर किया अब थोड़ा बहुत रैप कर लेता हूँ पर जैसे ही आपका ये टैलेंट है कि आपने गली बॉय में रैप जो है वो सीखना शुरू किया और आपने खुद लिखा हम ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि बंटी और बबली के बाद आप डाके मारना शुरू कर देंगे वो छोड़ देना बस मतलब दिलों पे तो डाका मारना है वो मार चुके ऑलरेडी जितना मर्जी कर लो चंदू चंदू मैंने सब एडिट में कटवाना है यहाँ से शुरू होगा इतनी मुश्किल से कैमरा मिला मुंह दिखा क्या बैक क्या दिखा रहा है यार बंटी पब्लिक टू की टीम आई हुई है बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको सैफ सर नमस्कार नमस्कार रानी मैम नमस्कार सिद्धांत सर नमस्कार शर्वरी वेल डन मैंने इसलिए आपका नाम लिया मेरे को ऐसा लगना था मैं जानबूझ के आपका नाम गलत बोल रहा हूँ तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पिक्चर के लिए यार मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाओ ये है ये भी है मतलब मुझे आपका नाम पता है चंदू चंदू बस चंदू ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ यार चंदू ये चंदू एक्चुअली आज आप बंटी बनकर आए हैं राकेश थैंक यू मैम यार थोड़ा खुल के इंट्रोडक्शन दो कपूर शर्मा आ जा इधर आ सर ये चंदू है हाँ जी इसके दो पैर हैं दो हाथ हैं और एक मुंह है जो 5 मिनट बाद आपका देखने को दिल भी नहीं करेगा ही इज देयर इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक यूनिवर्स कपिल शर्मा यार मैंने तुम्हें तारीफ करने को कहा तुम तो गुस्सा कर गए हो ये बातें तुम मुझे बाहर भी कह सकते थे बाहर कहता ही हूँ मैं मैंने पहली बार तो नहीं कही
खैर रानी मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. आपकी फिल्म आई थी ना राजा की आएगी बरात, मैं 5 बार देखने के लिए गया था. पूरी बात बता क्यों गया था. इसको सीरियस लगा था कि किसी राजा की बरात आने वाली, वो पैसे लुटाएंगे और मैं लुटूंगा. ज्यादा फालतू बात नहीं करनी. एक ट्रू फैन इसको बंद कर, तेरा क्लीवेज दिख रहा है. देखो मेरी बात सुनो, मेरे को तुम ऐसे मत करो यार. मैं तो ये मैं फैन उनका, इसलिए मैं इधर आया हूँ. हाँ. यार देखो मैं कितना अच्छा बन के आया हूँ. तुम्हें लग रहा है. यार मैं बन ठन के आया हूँ कपू शर्मा. देखो मेरे बनना तो ठीक है, ठंडना क्या होता है. ठंडना मतलब अच्छी पूरी पर्सनैलिटी निकाल के. एक मिनट रुको यार, तुम अच्छे लग रहे यार, मैं तुम्हें सोफे बिठा सकता हूँ. तुम रुको यार, ये क्या है. मैं बताता हूँ तुम्हें, नजर का टीका. हाँ जी, हैंडसम जो एक्टर होते हैं ना उनको नजर लग जाती है. खैर छोड़िए इन बातों को सर, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. सैफ सर, ये 10-स्टार स्पेशल जनरल स्टोर है ना. ओहो. इसका मैं स्पेशल और इकलौता मालिक हूँ. जोरदार तालियां मेरे लिए. मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी ब्रो. थैंक यू जी. स्पेशल मालिक हूँ मैं. स्पेशल स्पेशल तो ये बहुत है. आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना. सबके होते हैं. ये जब पैदा हुआ ना, हाँ, इसके मम्मी पापा ने जादूगर बुलाया. अच्छा. कहते जैसे आप कपड़ा डाल के कबूतर गायब करते हो, इसको करो. और तो हमको नहीं चाहिए ये. और सर जब ये पैदा हुआ, इसके मम्मी पापा भूख हड़ताल पे बैठ गए. कहते हमें ये नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए. प्लीज मेरे को बात करने दे. हाँ रानी मैम जी, आदित्य सर कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं, प्लीज उनको बोलिए थोड़ा सा मेरे को सिखा दें वो कैरम. तुझे कैसे पता वो अच्छा कैरम खेलते हैं? यार अच्छा कैरम खेलते हैं, तभी तो रानी निकाल ली उन्होंने. वाओ वाओ, ये जो वर्ड प्ले किया ना, एक्चुअली करीब हो ही सकता है जिसने बचपन से आज तक सिर्फ लूडो ही खेली हो और कैरम ही खेला हो. तो करने क्या है इधर. रानी लूडो में नहीं होती, कैरम में होती है. तो मैंने कैरम भी बोला, आगे तुमने सुना नहीं. अरे सॉरी, चल चल बैठ. अरे सोफा पे बैठना आराम से. देख इतनी मेरा भाई है, खराब तेरी शर्ट है, बैठ आराम से. खैर रानी मैम, मैं इधर आया हूँ कि बंटी बबली 2 तो आ रही है, लेकिन इसके बाद जब बंटी बबली 3 आएगी तो उसके लिए मैं रोल मांगने के लिए आया हूँ. सर मैं वैसे ले ले सर, अच्छा खासा है, चोर लगता है. इसका ये बड़ा फायदा है, ये आगे की चीजें पहले प्लान करके रखता कि 3 आएगी फिर मेरे को ले लो. हाँ तो मेरा डेट्स वेट्स का इशू हो जाता है ना बाद में. शेड्यूल बिजी है ना मेरा. जैसे सर मैम वो 83 मूवी आ रही है ना वर्ल्ड कप पे जो है, उसका भी थोड़ा पैचवर्क मेरा बाकी पड़ा हुआ है. क्या पैचवर्क बाकी है. और रणवीर सर ने पानी मांगा था, अभी तक मैंने दिया नहीं उनको. सुन मेरी बात, बंटी और बबली 3 तो मुझे पता नहीं कब आ रही है. अभी आधे घंटे में एक ट्रेन आ रही है. तो मैं आपके तो खुद समझदार है. नीचे आ जाऊं ना. मैं ऐसी बात कभी नहीं चाहूंगा. मैं चाहता हूं तू आगे आए इंजन के. यार बात कर रहे हो, बंटी बनने आ गया. तेरी बबली कहां है. मेरी बबली ऐसे थोड़ी है. बबली की एंट्री हमेशा ग्रैंड होती है. क्यों रानी मैम. एब्सोल्युटली सो बेश है मिस बूरी. ओ हेलो बबली. हाय यस. ये क्या बन के घूम रही हो. हीरोइन. मैं बबली बनी हूँ. हेलो 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 हेलो. मैं माइसेल भूरी बनी हूँ बबली. ओहो. तुम चाहे भूरी हो चाहे हरी हो, उनको कोई लेना देना नहीं है. सोच कैसे लेते हो हिरन बनो की. क्यों तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बाकी बातें वो सोच के कर रही है. और बाय द वे मैं तुम्हें बताऊं, उसने नहीं सोचा, ये सारा क्रिएटिव मैंने लॉक किया है. कि बंटी बबली हम बनेंगे. एग्जैक्टली. रानी मैम, जैसे आपने बंटी और बबली में इन्हें चांस दिया है, वैसे बंटी और बबली 3 में आप हमें चांस दीजिए. मैं ये नेशनल टेलीविजन में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, ये सिर्फ मेरे पति परमेश्वर ही करते हैं. नहीं नहीं, मैंने भी तो रोल आपसे मांगा था. मुझसे. हाँ. वो टेक्स्ट है मेरा. रानी मैम. इट्स ट्रू. नहीं पहले तो तुम लोग चाय नाश्ता मेंदू वड़ा टाइप मांगते थे, अब तुम लोगों ने रोल मांगने शुरू कर दिए. पप्पू ऐसे बिल्कुल मत बोलो. सैफ सर प्लीज इग्नोर हिम. ऐसे सर पता है आपको, मैंने एक्टिंग के सपने ना आपके वजह से देखे थे. झूठ बोल रही हो.
बाहर से तुमने मुझे कहा कि ये सपना तुमने रानी मैम की वजह से देखा है। अरे तो ठीक है, ज्यादा सो गई थी, दो दो सपने देख लिए, तुम्हारा क्या? कुछ भी, मुझे बात करने दो। So, Saif, so I'm a very big fan of yours. I'm a fan of yours also. अरे इतना अच्छा लगा था, आप वो सीक्रेट गेम्स में थे ना? थे क्या, अब भी वही है, सीरीज रिलीज होगी, इसका ये मतलब थोड़ी कि उधर चंकी पांडे आ जाएंगे। भाई इस बात का मतलब था नहीं ना, तो चुप रहा करो तुम। अरे मैं तुमसे एक बात ही कहनी भूल गया, गेट आउट। मुझे बात करने दो सैफ सर से। सर पिछली बार भी आप आए, मैं आपसे मिल नहीं पाई, आई एम सो सॉरी, वो मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना था। सर ये बाहर नहीं, ये अंदर गई थी अपने मामा से मिलने के लिए, वो जेल में है ना। नहीं वो एक्चुअली वो थोड़े से मजाकिया टाइप के हैं, अब हंसी मजाक में वो चले गए जेल। वाह 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 वाह, जो मजाक कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, जो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे वो हमारे शो में आ रही हैं। मैं बोल रही हूँ हम दोनों को लेके आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम जो एक्टर आपको करोड़ों मांगेंगे वो हम लाखों में कर देंगे वही चीज। तो लाखों तो तुम यहाँ पे भी ले रहे हो, यहाँ काम क्यों नहीं करते, इधर क्या मौत पड़ी है तुम दोनों को? देखा सोती तुम रहती हो, बातें मुझे सुननी पड़ती है तुम्हारी वजह से। मैं तुझे भी कह रहा हूँ। मुझे भी कह रहे हो? एक तो हर दुर्गा पूजा पे आपके साथ फोटो खिंचवा के आ जाती है, फिर सारे प्रोडक्शन वालों पर रोप डालती रहती है। मी एंड रानी आर वेरी गुड फ्रेंड। बड़ा स्टॉक करते हो मेरा इंस्टाग्राम? हाँ करते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, मैं रानी मैम ने कहा था तुम दोनों को एक मैसेज देने के लिए, बड़ा स्वीट मैसेज, कि वो तुम दोनों को कभी भी नहीं लेंगे, तुम लोग निकलो। अरे क्यों नहीं लेंगे, हम भी बंटी और बबली की तरह एकदम कॉन कपल हैं। ये तो है, ये हाँ ये कॉन कपल है, कहीं पे भी जाते हैं लोग बोलते हैं ये कपल कौन है। रानी मैम वैसे आपको पता है ना आपके और मुझ में सिमिलैरिटी क्या है? क्या है? आप बंगाली मैं भी बंगाली। तो सीधा सीधा रसगुल्ला मांगो, भूमिका क्यों बना रही हो? तुम दोनों पहले डिसाइड कर लो, तुम लोगों को रोल चाहिए कि रसगुल्ले चाहिए? नहीं नहीं रसगुल्ले नहीं चाहिए, हमें बस बंची पब्लिक थ्री में ले लो। डन डन डन। मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका तो फिल्म में कोई नहीं लेगा। क्यों? इसको फोटोग्राफर इसकी फोटो भी खींचता ना, वो कहता सर बाहर हो जाओ आपका मुंह अंदर आ रहा है। आप बचपन की इसकी फोटो देख लेना, लोग अपने बच्चों को पकड़ के वो फोटो खिंचाते ना। हाँ। इनके मामा ने कहा फोटो खींच रहे हैं, ये वाला इधर रखो, किसी और का बच्चा उठा के खींचा के आइए। पप्पू यार मैं बचपन में नहीं हैंडसम था, मतलब अब हो, अब मेरी पर्सनालिटी में फर्क पड़ गया और खराब हो गया। ओहो पप्पू चुप हो जाओ यार, सुनो मेरी बात, इधर आओ, ये लो एक एक सेब और चलो। रोल बोल नहीं मिलेगा, या तो बताओ चाहते क्या तुम लोग। मैं और भूरी एक दूसरे को चाहते हैं, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। एक्सक्यूज मी क्या? चंदू हम यहाँ चंदू भूरी नहीं बंटी बबली के तौर से आए हैं, तो प्लीज बी प्रोफेशनल ओके, फिल्म में काम करना तमीज से बिहेव करो, वरना मैं सैफ सर की हीरोइन बन जाऊंगी। और तुम्हें तो मैं मना कर देता हूँ, तुम नवाब साहब की बात कर रही हो। तुम्हें पता तुम्हारी 15 मिस कॉल के बाद मैं तुम्हारा फोन उठाता हूँ, और वो भी उठा के कहता हूँ बाद में कॉल करना, अभी मैं बिजी हूँ। सर इफ यू डोंट माइंड, एक मिनट निकाल के बिजी के स्पेलिंग बताएंगे आप? जब मैंने तुम्हें कहा शर्वरी की स्पेलिंग बता दो। नहीं जब मैंने सेक्रेटरी रखना है सर, वो सेक्रेटरी इसको स्पेलिंग बताएगा। सेक्रेटरी की स्पेलिंग हो जाए, मैंने सेक्रेटरी अंडर रखना है, तुम्हारे स्पेलिंग सुख तुम्हारे मैंने पूरा होने नहीं देना। चलो और छोड़ो, स्पेलिंग के स्पेलिंग सुना दो। तुम दोनों बाहर जाके लड़ो यार, क्यों तुम लोग शो का टाइम वेस्ट कर रहे हो? थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने। अब दफा हो जाए, कल से मत आना। चलो मैम को एक्चुअली चोट लगी है पैर में, इसीलिए मैम नाच नहीं पाई, और इस वजह से हम बहुत खुल के नाचे, क्योंकि मैम आ जाती तो फिर हम बैठ जाते। सैफ सर, हाँ आप तो सोशल मीडिया पे हो नहीं? नहीं। तो रानी मैम सैफ सर को मालूम है, शर्वरी और सिद्धांत आपको भी मैं बता दूं कि लोग ना सेलिब्रिटीज की फोटो के नीचे कमेंट्स करते हैं, और हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े फनी फनी कमेंट होते हैं। तो मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ आप सबकी पिक्चर्स के नीचे, प्लीज ये हमारा सेगमेंट है पोस्ट का पोस्टमार्टम। तो
हो नहीं नहीं तो ये सिद्धांत की पिक्चर से शुरुआत करते रंग बिरंगी बंटी पर्दा उठा देंगे गर्दा उड़ा देंगे ये पहले तो मतलब बताओ सिद्धांत इसका मतलब क्या है गर्दा उड़ा देंगे क्या थिएटर्स खुल रहे हैं तो धमाल मचा धमाल मचाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे आइए कमेंट्स पढ़ते नीचे कमेंट क्या है नीचे कहते पर्दा उठा लेते पर लपेटने की क्या जरूरत थी जैसे ये बंदा फोटो में है हमारे यहाँ वैसा बर्फ का गोला मिलता है पता चल रहा है आजकल रणवीर सिंह के साथ काम कर रहे हो आगे जाके लहंगा पहनाएगा और दिखाइए और भी है एक्टर्स का सही है एयरपोर्ट लुक सुना था इनका होली लुक भी होता है सर जी आप लोगों का कोई टॉयलेट लुक भी होता है किसी ने बताया नहीं कि सफेद और रंगीन कपड़े अलग अलग धोते हैं छोड़ दिया ना रंग सैफ सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि व्हाइट कपड़े जो होते हैं उनको कलर कपड़ों के साथ नहीं धुलते उनका रंग चढ़ जाता है awesome. I know that. ये होता है उस तरफ घर के उस एरिया में जहाँ आप कहीं नहीं जाते कभी भी नहीं जाते वॉशिंग मशीन जा रहती है नहीं मैं बहुत जा चुका हूँ अच्छा मैम पॉज कर लो मैम एकदम नहीं मैंने इसलिए पूछा सैफ सर को मैं बता दूं कि कलर नहीं, कपड़े मुझे पता है नहीं मेरे को लगा कि शायद नहीं मेरे ऐसे काफी व्हाइट टी-शर्ट्स काफी खराब किए मैंने हाँ कलर कपड़ों के साथ धोके आंखों से आंसू आ रहे वापस तो आइए आगे बढ़ते हैं अगला कमेंट्स 5,000 रुपए के लिए शर्वरी की फोटो है ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है आइए फिर ओके तो ये कमेंट्स नीचे दे फोटो में तो पियानो की आवाज आएगी नहीं गलत भी बजाओगी तो हमें क्या पता चलेगा आप क्यों पियानो बजा रही हैं एक बार पियानो वाले को हंस के देख लो वो खुद आके पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा के जाएगा वाह किसी ने रिप्लाई किया है मंजीरे बजाने के लिए मुझसे संपर्क करें जी और मानना पड़ेगा मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हो सोने के साथ साथ पियानो बजाने की भी एक्टिंग कर लेती है पियानो बजाना आता भी है या खाली पोज ही दे रही हो देखो बिल्कुल आता है और आगे ओ हेयर कट एनीवन अच्छा ये करीना ने अपने अकाउंट पे डाला है फोटो हाँ एक्चुअली सैफ सर तो नहीं है इंस्टा पे ना दिखाइए योर कटिंग तैमूर्स है हेयर कट एनीवन सो क्यूट बोथ ऑफ अस बच्चा है इसलिए हाथ साफ कर रहे हो उसकी पीआर टीम ने देख लिया तो देख रहा हमारे दादाजी की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है हमें तो गालियां देते हैं आप आके काट दो इतना पैसा कमाते हो किसी सलून में कटवा लेते लॉकडाउन चल रहा था यार इसलिए ऐसा कुछ सबने एक दूसरे के ऐसे बाल काटे हैं लॉकडाउन में कोविड से बड़ी क्यूट पिक्चर है बड़ी क्यूट पिक्चर हो गया कोविड हो गया कटर ओन है ड्यूरिंग लॉकडाउन बट सी तैमूर्स एक्सप्रेशन व्हाट इज ही थिंकिंग ही डजंट वांट अ हेयर कट आईदर और दिखाइए क्यूट थोड़ी और वेट कर लेते सिनेमा तो खुल ही गए हैं इतनी जल्दी क्या थी काम बदलने की किसी ने लिखा मैनीक्योर पेडिक्योर भी कर लेते और क्वाइट स्टूपिड ऑल द कमेंट्स आर ओह हेलो ओह माय न्यू लुक चलिए ये तो फिल्म के ट्रेलर में भी है ना ये जी जी दिखाइए जरा नहीं ये नॉर्मली ऐसा पहनते हैं अच्छा ये फिल्म का है ओह सर पे इतनी बड़ी टोपी आंखों पे इतना बड़ा चश्मा पर आपकी स्माइल के आगे सब एकदम छोटू छोटू सा किसी ने रिप्लाई लिखा चापलूस कहीं के कहां मुस्कुरा रही है मैडम इस टोपी से कबूतर भी निकलता है बहुत कुछ निकलता है फिल्म आके देखनी पड़ेगी फिर आपको पता चलेगा आगे दिखाइए और वाह गुलाब ने गुलाब पहना है
शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं, तेरे लिए मैं दोनों बच्चे कुंभ में छोड़ दूं। ओह, लानत है ऐसे बाप पर जो ऐसे कमेंट कर रहा है। Oh my God. कपड़े पर गुलाब, सर पर झाड़, पूरा चलता फिरता गार्डन लग रही है मैडम। Thank you. और सिद्धांत ने फोटो डाला, कॉल अस, वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड। ओके, दिखाइए कमेंट। लगता है आप दोनों भी दादर विरार लोकल ट्रेन में अप डाउन करते हो। ये एक्टर लोग प्रोड्यूसर को भी ऐसे ही लटकाते हैं। हैशटैग एक तपा हुआ प्रोड्यूसर। जैसे ही पता चला जिम इंस्ट्रक्टर एक लड़की है, दोनों के पैर जमीन पे नहीं टिके। और दिखाइए, शर्वरी, सनस्क्रीन फॉर द स्किन, एक्सेसरीज फॉर द सोल। ओह, व्हाट ए पिक्चर। वाओ, कमेंट्स दिखाइए। मेरा दिल कर रहा है कमेंट्स भी ऐसे ही पढूं। या आई थिंक यू शुड। ये देखो मैडम, आपको ये सब करने के लिए कोई बोलता है या अपने मन से करती हो? लकड़ी के फर्श पे तो बैठ सकते हो। हमने जयपुर की गर्मी में ऐसी फोटो खिंचाई थी, हमारी दोनों पूरियां जल गई। It's hot in जयपुर। मैडम, आपकी एक पाजेब गिर गई है, फोटो छोड़ो पहले उसे ढूंढो। वाओ, देखो आदमी डिटेलिंग में सोचते हैं। चलिए आगे दिखाइए। अच्छा, इसको एक ही पहनते हैं? Yes, sir. हम भी चाहते हैं हमारी जोरू ऐसी फोटो खिंचवाए। पगली हंस देती है, कहती है पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजो। So sweet. That is so cute. So sweet. और हम कह रहे हैं पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजिए, हम फिर फोटो खिंचवाएंगे। वो भी बोलता है, फोटो कौन खींचेगा फिर? नीचे किसी ने कहा, वाह क्या पुण्य किए होंगे उसने जो आपकी फोटो खींचा। और दिखाइए, करीना, फॉल इन लव एस्लीप मेस हैशटैग मेस। हाँ, कमेंट्स दिखाइए जरा। करीना सोच रही है ये आदमी खराटे लेना बंद करे तो मैं भी सोऊं। सैफ उठो, दूसरी जगह चलना पड़ेगा, पुलिस आ रही है। किसी ने लिखा, फेक फोटो, बीवी साथ हो तो चैन की नींद आ ही नहीं सकती। और दिखाइए, मेकअप टाइम। जी सही है मैडम, जितनी देर में आपका मेकअप होगा आप पहुंच जाओगी, 3 घंटे की तो फ्लाइट है। और मैं सबसे जल्दी मेकअप करती हूँ 15 मिनट में। That is true. Actually. Lovely. That is true. इतना मेकअप मत कर लेना कि फिर नीचे उतर कर आधार कार्ड से फोटो मैच ना हो। और दिखाइए, सच में बड़ी प्रोड्यूसर हैं, मेकअप करने के लिए फ्लाइट रखी हुई है। हम तो बाथरूम के मिरर में भी कर लेते हैं। वाह। ओह, ये तो क्या ही बात है। सो सिद्धांत, इन्होंने और भी काम पकड़े हुए हैं, आगे एक दो फिल्में और पकड़ी हुई हैं, आज इनको निकलना है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सिद्धांत, एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स ब्रो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू, बाय बाबा, बाय, बेस्ट ऑफ लक, बुला लिया, मिस यू, ओए होए, ऑल द बेस्ट बडी। रानी जी यहां पर आई हैं।
नमस्कार नमस्कार सो नाइस टू सी यू दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई कांट सी यू सो नाइस टू सी यू नमस्कार देवियों और तिजनों सज्जनों होता है नहीं नहीं तीन जन बैठे हैं ना तो तिजनों ही होगा वो तो कल बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए कैसे हैं आप लोग ऑप्शन ए बहुत अच्छे हैं ऑप्शन बी बहुत ज्यादा अच्छे हैं ऑप्शन सी अमी चांगले आहुत ऑप्शन डी चार बंगला आहुत ये नकली बचपन साहब ये आप केबी से खेल रहे हैं उनके साथ वो एक्चुअली क्या हो गया है कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है हर वक्त ये कल ही की बात है कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए रिक्शा हाँ हम नकली है ना असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं हम तो रिक्शा में हमने रिक्शा किया जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा हम जोर से चीखे पहला पड़ाव पूरा और कमाल की बात देखिए वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला अच्छा। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं मैंने उसी वक्त फोनो फ्रेंड किया अच्छा और मेरे जो दोस्त हैं डैनी अच्छा डैनी डैनी डेंगू डैनी डेंगू हाँ डैनी सैफ सर बताएंगे डैनी डेंगजोंगपा हाँ वो तो असली वाले के हैं ना हमारे दो डेंगू ही होते हैं तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा खैर सो सो वंडरफुल टू सी यू गाइस खैर सैफ जी 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 मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे ये ताहिमूर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता वो तो अभी बहुत छोटा है ना हाँ तो छोटा फोन कर दे हम छोटी सी बात कर लेंगे जब हम पेटले से बात तय कर सकते हैं तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते वैसे पिडली से याद आया जी हमारे लिए दो प्लेट पिडली ऑर्डर करो पिडली और उसमें वो सांबर मत डलवाना इडली इडली होता है हाँ तो फिर सांबर डलवा दो और एक काम करना वो उसके अंदर दो छेद भी करवा देना ओह गॉड वो मेंदू बड़ा होता है सर मेंदू बड़ा बड़ा का वो छोटा होता है हम तो आठ आठ प्लेट खा जाते हैं ये तो दो है हाँ तो दो बार आठ आठ खाते हैं ना क्या प्रॉब्लम क्या है खैर मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है क्या ये भी बैंड्रा में रहते हैं मैं भी बैंड्रा में रहता हूँ अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना रहते वो तो असली वाले रहते हैं हम बैंड्रा में रहते हैं आपने वो अस्सी लिंक देखा है जी जी हाँ। सिर्फ देखा ही जाइए भी वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं वो जो सी लिंक है वही जो सीलिंग है उसके चौथे पिल्लर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है वहीं रहता बचपन साहब पिल्लर के नीचे क्यों रहते हैं आप परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन ये मेरे तीन स्तंभ हैं इसीलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं खैर सैफ जी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं हाँ। महत्वपूर्ण समझते हैं आप महत्व नीचे ई की मात्रा पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा ओ आई
तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट दिखाए अपने, सॉकेट जो होता है उसके अंदर वो तीन चार ऐसे छेद होते हैं। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। तो ये बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब हैं। हाँ जी, क्या क्या मैं उठा देता हूँ। ये बहुत महंगा मैं रख लूँ, मैं गरीब आदमी। ये कृष्णा आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज। जी जी बस कंट्रोल। एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे हंसा सकता है? सच्ची में? सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे। सॉरी, कोई बात नहीं। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं? अरे वो नवाब हैं और नवाबों के लिए शॉक बहुत बड़ी चीज होती है। सर इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं फैंस को। नहीं, सीलिंग फैंस को। ऐसे ऐसे करके पोछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां होगा। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये या ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी एक महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। आप लोगों की भी कई फिल्में देखी है मैंने, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी, वो तुम हम तुम थी वो। हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे तो तुम नहीं। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे? लॉन्ग टाइम पहले कभी नहीं मिले। मैं मेरा लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शैडी? शम्मी शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नहीं है लाइन में जी, मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। जादूगर कहां से आ गया? जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहां से आ गया। सैफ जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था? नहीं, विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया होगा। हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ है। खैर मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा। जी। रानी जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस आज मैं करूंगा वो। तो सही तेरा तुम्हारे सब कुछ।
भली तुझी होती है जब आप चतुर्वेदी आते आते हैं, मुझे तो भली तुझी होती है, मुझे लगता है देखा तो उसे बड़ा कुछ नहीं देते तेरी जिन्दगी में तुम्हें थमाती थी दोतना तन्नी पद्धती देते मैं ठीक हुआ मेरे जाने का समय जो है हो चुका है. इट वॉज नाइस सीइंग यू. बहुत अच्छा लगा. बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और शर्वरी के लिए. आइए सर, आइए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच रानी मैम. थैंक यू सो मच. आप आते रहा करो, इतना गैप मत डाला करो आप. एब्सोल्युटली, अभी जल्द आऊंगी. प्लीज, बड़ा मजा आता है जब भी आप आती हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू कपिल. Thanks a lot, sir, for coming. And all the very best. Thank you all. Bye-bye. Namaskar. और दोस्तों, त्योहारों का मौसम है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. स्वस्थ रहें, खुश रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.